हेलो गाइस, मदान बुटीक में आपका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको 3.5 मीटर कपड़े में कमीज़ और सलवार की कटिंग करना बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप फुल कटिंग बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। ये हमारा नाप है, लंबाई कमीज़ की 39 इंच है, चेस्ट 19.5 इंच तैयार है सामना, कमर 17.5 इंच फ्रंट, हिप 21.5 इंच और ये स्लीव है 20 इंच और मोरी है 7.5 इंच और सलवार की लंबाई है 38 इंच और पाउचे हैं 14 इंच के और बेल्ट वाली सलवार है। नेक हमारा फ्रंट का 7 इंच है और बैक नेक 4 इंच है, तीरा 15 इंच है। तो गाइज ये हमारा कपड़ा है, लंबाई दिखा देता हूँ मैं कितनी है, ये देखिए ये 85 इंच है और ये 4 तय है, 1, 2, 3 और 4 यानी ये 3.5 मीटर के करीब है। और इसकी चौड़ाई देखेंगे इसकी चौड़ाई है 27 इंच का पन्ना है ये, यानी ये हो जाएगा हमारा 54 इंच। तो गाइज देखिए पहले हम कमीज निकालेंगे, पहले गाइज देखिए ये एक जो हमारा पन्ना है इसको हम इस तरीके से रखते हुए पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर हमारी हिप आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। हमारी हिप का साइज़ है 21.5 इंच, तो 21.5 इंच का हाफ होता है 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पर यहाँ पर इंची टेप रखकर देखेंगे ये हमारा दबाव के लिए हो जाएगा। तो हम इसमें से फ्रंट और बैक हिस्से को निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपने कमीज़ की लंबाई लेंगे, उनतालीस इंच हमारी लंबाई है तो 0.5 इंच हम दबाव का लेंगे, 39.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम दबाव ले लेंगे 2 इंच 2.5 इंच, जितना आपका कपड़ा इसमें पहले नाप के देखेंगे हम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है हमारी लंबाई और सलवार की लंबाई। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच ले लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे निशान लगाकर। अब गाइज इसको हम 2 हिस्सों में कर देंगे बराबर रखते हुए और यहाँ से हम बीचों बीच इसकी कटिंग कर देंगे। अब गाइज देखेंगे हम उल्टा सुलटा इसमें है या नहीं है, अगर उल्टा सुलटा है तो आप उल्टी साइड में इसमें निशान लगा लें। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारे दूसरे हिस्से की उल्टी साइड है। अब इसमें से एक हिस्से को हम रख देते हैं, इस हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मिलाते हुए और गाइज देखिए ये कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल है तो इसको हम उसी प्रकार से इसमें हम दबाव लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको वैसे ही निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हमारा लूज भी हो सकता है। तो इस तरीके से बिछा देंगे और दूसरे हिस्से को भी इसी के ऊपर बिछा देंगे हम। गाइज देखिए ये हमने दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे बिछा दिया है, इकट्ठे कटिंग करेंगे हम इनकी। और अगर आप न्यू बिगनर हो, आपको इकट्ठे कटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पहले फ्रंट की कटिंग कर सकते हो, उसके बाद फिर आप बैक की कटिंग कर सकते हो। तो हम आज ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, जो ये कपड़ा हमारा ऊपर नीचे है इसको सीधा करेंगे। अब गाइज यहाँ से हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे, 39 इंच लंबाई है तो 39.5 इंच पर इंची टेप रखकर और ऐसे निशान लगा देंगे। एक निशान और लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इनको सीधा कर देंगे। अब गाइज इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर हम इस साइज़ में हम जो हमारी बैक 4 इंच है तो हम 7.5 इंच पर अपनी आर्मो लेंथ को उतारेंगे। कमर का निशान हमारा 14.5 पर है तो 15 पर और हिप का निशान 21.5 पर है तो 22 पर। इसी तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे।
अब गाइज पहले हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी 19.5 इंच चेस्ट तैयार है। तो गाइज देखिए, मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा स्केच में कपड़ा है, तो हम इसको 19.5 की जगह हम 19.25 करेंगे। तो 9.5 इंच एक सूत पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। कमर हमारी 17.5 इंच है, तो हम यहाँ पर एक सूत और कम करेंगे, तो ये हम 17.25 इंच पर लगा देंगे इस तरीके से। हिप हमारी 21.5 इंच है, तो हम 21.25 इंच पर लगाएंगे। घेर को भी हम 21 इंच पर लगाएंगे निशान। अब गाइज यहाँ से यहाँ तक हम पहले इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर जितना भी हम दबाव लेना चाहते हैं अपने घेर फोल्ड करने में, उतने पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। अब गाइज हम ये से फट्टी लेंगे और इस तरीके से रखते हुए चेस्ट से कमर तक इस तरीके से निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब गाइज हमारा तीरा है 15 इंच का, तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम लेंगे बैक हिस्से को 7.25 इंच और फ्रंट हिस्सा होगा हमारा इस साइज में 6 इंच। हमारी ब्रॉड है इसमें 3 इंच की। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको मिला देंगे निशानों को। अब यहाँ से बैक हिस्से तक इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपनी शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम 0.5 इंच गिराव करेंगे। अब यहाँ से हम अपनी ब्रॉड तक एक निशान ऐसे लगा देंगे। अब गाइज इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम ब्रॉड तक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर गिराव करेंगे। अब यहाँ से हम बैक हिस्से पर कटिंग करेंगे। एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे, एक कट हिप पर, एक कमर पर, एक चेस्ट पर, एक हम ऊपर सेंटर में और एक ब्रॉड का। अब गाइज फ्रंट हिस्से को उठाकर और बैक हिस्से को ऐसे रखेंगे और फ्रंट हिस्से को हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम अपने फ्रंट की भी छटाई कर देंगे। इस तरीके से। तो गाइज ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है इकट्ठे। इसको हम उठा के रख देते हैं। अब गाइज ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। पहले हम गाइज यहाँ पर देखिए अपनी स्लीव का निशान लगाएंगे। 20 इंच की हमारी स्लीव है, तो हम 22 इंच ले लेते हैं, क्योंकि 0.5 इंच हमारा कंधे में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ से हम देखिए इसको दूसरे हिस्से को लगाते हुए यहाँ पर देखेंगे हम ये हमारा कितना कपड़ा बच गया। ये देखिए, तो ये हमारा गाइज 34 इंच से 2 सूत ऊपर है, तो इसमें हमारी सलवार निकल आएगी, क्योंकि हमारी 38 इंच की सलवार है, तो उसमें से हम बेल्ट वाली जब हम कटिंग करते हैं तो 4 इंच कम करके कटिंग करते हैं, तो 34 इंच हमारी तैयार आएगी। तो गाइज पहले हम स्लीव निकाल लेते हैं। देखिए इस कपड़े को हम इस तरीके से मिलाते हुए और यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर देंगे। हमारी आर्म होल लेंथ आएगी हमारी स्लीव की यहाँ पर 7.5 इंच के करीब आएगी, तो ये हमारा दबाव हो जाएगा यहाँ पर। इसको सीधा रखते हुए गाइज पहले यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे ऐसे। यहाँ से हम अपनी स्लीव को लेंगे 20.5 इंच इस तरीके से। यहाँ पर ले लेंगे हम दबाव। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। गाइज इस साइज में हम जो अपनी बाजू की आर्म होल लेंथ उतारते हैं
वो हम उतारते हैं 3 इंच या 3.25 इंच के आसपास। तो हम 3.25 इंच पर उतार लेते हैं इसको। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। बाजू की मोरी है 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच का हाफ है 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम हमारी चेस्ट है 39 इंच तैयार। तो हमारा आर्म होल लेंथ आएगी यहाँ पर 7.25 इंच के करीब। तो 7.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब गाइस ये सेफ फट्टी लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखते हुए मोरी से और यहाँ तक मिलाते हुए और एक निशान लगाएंगे ऐसे। यहाँ पर हम अपनी बाजू की गोलाई का निशान लगा देंगे एक इस तरीके से। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर दबाव छोड़ते हुए अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हम सीधा ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे, एक कट सेंटर में और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर निशान लगाते हुए पहले हम निशान लगाएंगे अपने फ्रंट की छटाई के लिए और इस तरीके से हम यहाँ भी कटिंग कर देंगे। अब गाइस इस कपड़े को हम लेंगे, देखिए इसको ऐसे पकड़ते हुए और यहाँ से मिलाएंगे और इस कपड़े को हम ऐसे बिछा देंगे। इसको हम यहाँ से बराबर कर लेते हैं। तो गाइज देखिए हमने ये इसको बिछा दिया है। ये बंद हिस्सा हमारी तरफ है और ये चारों किनारे ऊपर की तरफ है और ये कटा हुआ कपड़ा ऊपर की तरफ है और ये बंद हिस्सा नीचे की तरफ है। अब गाइज पहले हम इसको सीधा करने के लिए निशान लगाएंगे यहाँ। अब गाइज यहाँ पर हम अपनी सलवार में से 4 इंच कम करते हुए यहाँ पर इस तरीके से देखिए 4 इंच हमने ऊपर की तरफ किया है। ये यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। अब गाइस जी यहाँ पर हम अपने आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और मोरी का निशान लगाएंगे यहाँ पर 14 इंच की मोरी है तो 7 इंच पर निशान लाएंगे और 1.5 इंच हम इसमें दबाव का लेंगे। अब यहाँ से इंची टेप को रखते हुए और यहाँ तक हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब गाइज पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। अब गाइज हम नीचे से कटिंग करेंगे। अब इन निशानों पर हम ऊपर तक कटिंग करेंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरीके से, यहाँ पर लगाएंगे निशान। तो गाइज ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। गाइज इसमें पार्ट नहीं होंगे और ना कली होगी, ये हमारा एक वन पीस होगा। इसकी बिल्कुल सीधी सिलाई है गाइज। यहाँ से हम इनको पहले आसनों को स्टिच कर देंगे। यहाँ से हम इनको आसन को मिलाते हुए पहले इनको स्टिच कर देंगे दोनों को और उसके बाद हम इसमें प्लेट डालकर आसानी से सलवार बना सकते हैं। तो गाइज हमने सलवार की कटिंग की है, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए ये बचा हुआ कपड़ा, इसको हम ऐसे खोल देंगे। और यहाँ से हम किनारे को छोड़ते हुए यहाँ पर हम 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बेल्ट लेंगे। हमारी हिप है 21.5, उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे तो 26.5 इंच की हम बेल्ट लेंगे। 26.5 पर निशान लगाते हुए यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे 7 इंच की।
इस तरीके से। अब गाइज इसकी कटिंग करेंगे, पहले इन निशानों पर यहाँ तक। अब हम किनारे की कटिंग करते हुए यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। तो गाइज ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब गाइज जो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम गले में और पाउचों में इसको इस्तेमाल करेंगे। गाइज ये हमने आपको फुल सूट की कटिंग बताई है। और दोस्तों अगर आपको स्टिचिंग करने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर हमने सलवार की स्टिचिंग की और कमीज़ की स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।